हेलो स्टूडेंट्स, जनरेटिंग लाइंस वीडियो नंबर 4, वेलकम ऑल ऑफ यू। जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट वीडियो नंबर 3, एग्जांपल 1, न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने उठाया। थोड़ा सोल्यूशन इसका भारी है, इसलिए मैंने कुछ लिख दिया है पहले। सीपी सीक्यू आर कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स, और ये एलिप्स जेड इक्वल टू सी प्लेन पर बना हुआ है। जेड इक्वल टू सी प्लेन कैसा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, सी यूनिट डिस्टेंट। फिर दिया है सी पी डैश एंड सी क्यू डैश, यानी सेंटर सी है एलिप्स का, जो कि 0 0 0 0 और जेड कोऑर्डिनेट सी। सी पी डैश सी क्यू डैश आर कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स दिस वन। ये जेड इक्वल टू माइनस सी प्लेन है, जो जेड इक्वल टू सी प्लेन के पैरेलल है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर है वो, और ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन के नीचे है, दोनों सी दूरी पर हैं एक्स वाई प्लेन से। और कंजुगेट डायमीटर्स जो इस वाले एलिप्स पर खींचे गए हैं, लिखा हुआ है ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शंस एज सी पी एंड सी क्यू। जिन दिशाओं में सी पी सी क्यू खींचे गए हैं, उन्हीं दिशाओं में सी पी डैश और सी क्यू डैश खींचे गए हैं। ये जेड इक्वल टू सी प्लेन है, ये जेड इक्वल टू माइनस सी प्लेन है। इस पर एक इलिप्स बना है, इस पर एक इलिप्स बना है, ठीक है ना। अब इस पर सेंटर सी लिए हैं, तो इस पर सेंटर सी डैश ले लेते तो अच्छा रहता ना। एक ही सेंटर कैसे होगा? लेकिन अब बुक में ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसे समझिएगा। मतलब कुल मिला के इस लैंग्वेज में सी का मतलब है सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो सिद्ध क्या करना है कि ये वाला हाइपरबोलॉइड इन दो लाइंस के द्वारा जनरेटेड है, कैन बी जनरेटेड, जनरेट किया जा सकता है। यानी इसके रूलिंग्स ये भी हैं और ये भी हैं। सी पी एंड सी क्यू आर कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर। इस एलिप्स पर पॉइंट लेना होगा तो ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा और जेड बराबर सी लेंगे। और अब क्यू पी और क्यू एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स हैं। तो अगर P पर पैरामीटर अल्फा है तो Q पर पैरामीटर क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस अल्फा। और एलिप्स में ये जो पैरामीटर लिया जाता है, ये क्या होता है? सेंट्रिक एंगल। तो यहाँ पे हमने अल्फा लिया है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस अल्फा और जेड कोऑर्डिनेट सी, यानी कि ये तो ऐसे ही रहा और ये बदल जाएगा ऐसा। ओके, इसी प्रकार से यहाँ भी है। सी पी डैश सी क्यू डैश आर कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स फलाने, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश एंड क्यू डैश आर ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा माइनस सी, और ए कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा बी साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस सी। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो मेन दारोमदार है वो इस तथ्य पर है कि यदि पी और क्यू कंजुगेट डायमीटर्स के छोर हों, कंजुगेट सेमी डायमीटर्स के छोर हों, एक्सट्रीमिटीज हों, तो उन पे इसेंट्रिक एंगल पाई बाई 2 से डिफर करता है। इस पर अगर आपने टी लिया है तो इस पर पाई बाई 2 प्लस टी लेना होगा। इसी तथ्य का इस्तेमाल यहाँ भी और यहाँ भी किया गया है। अगर इतनी सी बात आप जानते हैं तो फिर इस क्वेश्चन में अब जान नहीं है, केवल कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक बार इसका इक्वेशन निकालना होगा, एक बार इसका, और फिर दोनों के द्वारा जनरेट करके दिखाना होगा। हाइपरबोलॉइड को जनरेट करना होगा। इसके बाद जो अब हम काम करने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमको दो वर्क करना है, दोनों हम पैरेलल कर दे रहे हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन चूंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही कर दे रहे हैं। एग्जाम में बारी बारी से करिएगा दोनों हिस्सों को, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। इधर ब्लू में, इधर ग्रीन।
तो पहले पी क्यू डैश इधर और एक इधर, इक्वेशन ऑफ पी क्यू डैश इज सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन के इक्वेशन निकले लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो पी को पॉइंट ले लो, और पी कहाँ है, ये है पी और ये है क्यू, इधर ये है पी डैश और ये है क्यू डैश। अब लिखिए, तो पी को हम पॉइंट ले लें, पॉइंट माने एक्स माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन इक्वल टू वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन, समझ में बताइए, एक्स माइनस दिस वाई माइनस दिस जेड माइनस दिस। अब नीचे डी आर चाहिए, पी और क्यू डैश को मिलाने वाली लाइन के डी आर क्या होंगे, क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स करिस्पॉन्डिंग, क्यू डैश का कोऑर्डिनेट ये माइनस ए कॉस अल्फा माइनस पी का ए कॉस अल्फा, बहुत सावधानी से, फिर बी साइन अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, ओए कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमको पी क्यू डैश लेना है ना, पी और क्यू डैश, सावधानी से, क्यू डैश यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पर, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है बच्चा, ये कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा, देखो दिमाग कहाँ है, ये माइनस ए साइन अल्फा होगा, ये बी कॉस अल्फा होगा, बस बेटा अब सही है, क्या बताएं, गणित भी गजब चीज है, ये हो गया ए साइन माइनस ए साइन अल्फा और माइनस ए कॉस अल्फा, फिर बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा और फिर माइनस सी ऐसा, हम नीचे माइनस से गुणा कर देना सभी में, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव, बी साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन टू सी। इसी प्रकार से पी डैश क्यू के इक्वेशन आइए लिखा, इस कॉलम में इक्वेशन ऑफ पी डैश क्यू इज पी डैश क्यू लो मिटा दे रहा, और बेहतर यह है कि हम इसको बॉक्स बना लें ताकि नजर इधर उधर ना हो, और ये पी डैश है, ये चाहिए पी डैश और ये है क्यू, क्लियर। तो पी डैश को पॉइंट बना लिया जाए, पी डैश कहाँ है भाई, वो है ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा माइनस सी, ठीक, इसको पॉइंट ऊपर, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन इज इक्वल टू जेड माइनस माइनस सी यानी कि जेड प्लस सी, क्यू माइनस पी डैश ये है क्यू, माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा और सी प्लस सी,
नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट एक्स माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, बी साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा इक्वल्स टू जेड प्लस सी अपॉन माइनस टू सी। जिस हाइपरबोलॉइड को जनरेट करना है उसके इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे और उससे कुछ कंक्लूजन लेंगे। ये लिखा है ये ऐसे क्वेश्चंस जितने भी करोगे सब में यही कंसेप्ट है। देखो ये लिखा है एक्स अपान ए का होल स्क्वायर, एक्स अपान ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू, वाई अपान बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू, जेड अपान सी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें एक्स अपान ए वाई अपान बी जेड अपान सी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इम्प्लाइज दैट डिवाइडिंग लाइन ए से डिवाइड कर दो, एक्स अपान ए माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी से डिवाइड कर दो। क्यों करना समझ रहे ना, ये इसको देख करके वाई बाई बी माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू सी से डिवाइड कर दो, जेड बाई सी प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल्स टू के से के लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो हम यहाँ पे आर डेस लिख दे रहे हैं, आर डेस से यही क्रिया इधर करिए। इम्प्लाइज दैट एक्स अपॉन ए माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई अपॉन बी माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू जेड अपॉन सी माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू आर से। ये ध्यान रहेगा ना, इसको मिटाने जा रहा है या अभी रहने दे रहा है। इम्प्लाइज दैट एक्स अपॉन ए बराबर क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस कैपिटल आर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। वाई अपॉन बी बराबर क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा प्लस आर इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। और जेड अपॉन सी क्या होगा, तो देखो इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर लेंगे दो से गुणा कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे दो से गुणा कर लेंगे, और फिर जेड बाई दोनों को जोड़ के जेड बाई सी के स्क्वायर को घटा देंगे, इसलिए इसको मिटा देना, दिमाग में बैठ गई बात। और जेड बाई सी इज इक्वल टू टू आर प्लस वन, वन प्लस टू आर, ऐसे इधर लिख लो बच्चे। इम्प्लाइज दैट एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आर डेस इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस आर डेस इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जेड बाई सी इज इक्वल टू माइनस टू आर डेस माइनस वन, यानी माइनस वन माइनस टू आर डेस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वन प्लस टू आर डेस। नाउ टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू इसका स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस कैपिटल आर
इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन अल्फा प्लस आर इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस जेड बाई सी का होल स्क्वायर वन प्लस टू आर होल स्क्वायर। नाउ टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू साइन अल्फा प्लस आर डेस इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कुछ गड़बड़ कर दिए ना, इसमें कॉस अल्फा है इसमें साइन अल्फा है, साइन अल्फा प्लस आर डेस इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और होल स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो सिर्फ आएगा वन प्लस टू आर डेस स्क्वायर। दोनों साथ साथ करने का हमको यही लाभ है कि अब आप दोनों को मिलाइए, ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है दोनों में सेम है, केवल आर की जगह आर डेस है उसमें, देख लो ध्यान से देख लो है कि नहीं, तो जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये देगा। तो एक को तो ढंग से करके दूसरे को सीधे लिख देंगे इक्वल्स टू। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन में पहले लिखा है implies that टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो पहली संख्या का स्क्वायर इसका, इसका भी, इसका भी, सब एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि टू कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिखते हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये पहला आ गया ठीक है ना। अब पहला गुणे दूसरे का दूना, दिस इंटू दिस का दूना करेंगे, दूना पहले से ही तो चौगुना हो जाएगा, फोर आर प्लस फोर आर इंटू, थोड़ा और इधर से लिखें जगह कम पड़ जाएगी, प्लस फोर आर इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसमें जब दिस इंटू दिस का दूना करोगे तो क्या आएगा, फोर आर, और ये माइनस फोर आर, माइनस फोर आर आएगा, फोर आर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वन। अब दूसरी एंटिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दूसरा दूसरा दूसरा, तो जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब क्या क्या बचा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, और इसमें देखो इसमें आएगा फोर आर स्क्वायर माइनस के साथ, टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा माइनस टू, ये इक्वल्स टू, इसका हिसाब बताइए, टू माइनस वन वन,
इसमें आइए प्लस फोर आर साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये माइनस है भैया, ये फिर से देख लो एक बार, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ये जो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये जो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, और वन माइनस वन ये जीरो हो गया। तो आप चाहें तो जीरो इकट्ठे लिख दें, ये प्लस टू आर स्क्वायर इंटू, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। तो इसमें आएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि टू, तो टू माइनस टू फिर जीरो हो गया, और कुल मिला के कितना आ गया, इक्वल्स टू वन। तो यही तो हाइपर, या ऐसा करते हैं एक स्टेप और लिख देता है, इम्प्लाइज नेट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हाइपरबोलॉइड आपके हाथ लग गया, आपने जनरेट कर लिया, किससे, लाइन पी क्यू डैश के इक्वेशन से। 10 पी क्यू डैश जनरेट्स द हाइपरबोलॉइड, जनरेट्स द हाइपरबोलॉइड टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यही सब काम इधर करना है, इधर भी इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दें। जब एग्जाम में आप करोगे तो पहले इस पार्ट को पूरा करोगे विस्तार से, और इसमें फिर लिख दोगे डायरेक्ट वन, और फिर यही रिजल्ट। दस पी डैश क्यू जनरेट्स द हाइपरबोलॉइड, जनरेट्स द हाइपरबोलॉइड टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसी जैसा एक हल्का सा न्यूमेरिकल और हम लोग कर लें ताकि वीडियो साइज थोड़ी ठीक हो जाए। एग्जाम्पल टू, शो दैट the line x minus 2 upon 1 equals to y minus 3 upon 0 equals to z plus 4 upon minus 2 is a generating line of the hyperboloid, is a generating line of the hyperboloid x square by 4 plus y square by 9 minus z square by 16 is equal to 1। सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें छोटे में एग्जाम्पल लिख पाएंगे इसमें, अरे सोल्यूशन इसमें थोड़ा बड़ा था, कंसेप्ट वही, प्रोसेस वही। x minus 2 upon 1 equals to y minus 3 upon 0 equals to z plus 4 upon minus 2। इसी से क्लू हमको मिलता है, ये x upon 2 का होल स्क्वायर है,
ये वाई अपान थ्री का होल स्क्वायर है, ये जेड अपान फोर का होल स्क्वायर है। एक्स अपान टू यहाँ पैदा करो, वाई अपान थ्री यहाँ पैदा करो, जेड अपान फोर यहाँ पैदा करो, इस तरीके से टू से ऊपर नीचे डिवाइड करिए। एक्स अपान टू माइनस वन और नीचे हो जाएगा वन अपान टू इज इक्वल टू थ्री से डिवाइड करिए। वाई अपान थ्री माइनस वन अपान ज़ीरो, फोर से डिवाइड करिए। जेड अपान फोर प्लस वन अपान माइनस टू बाई फोर माने माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू आर से। इम्प्लाइज दैट एक्स अपान टू इज इक्वल टू वन अपान टू इंटू आर प्लस वन, यानी कि वन प्लस आर बाई टू। वाई अपान थ्री इज इक्वल टू जीरो इंटू आर प्लस वन यानी कि वन, और जेड अपान फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू आर माइनस वन यानी कि माइनस वन माइनस आर बाई टू माइनस वन माइनस आर बाई टू। नाउ एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन माइनस जेड स्क्वायर बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू वन प्लस आर बाई टू होल स्क्वायर प्लस वन माइनस इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। वन प्लस आर बाई टू होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और तुरंत ही आ गया इक्वल्स टू वन। दस एक्स माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड प्लस फोर अपॉन माइनस टू इज अ जनरेटिंग लाइन ऑफ द हाइपरबोलॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल्स टू वन। तो एक किस्म के ये दो एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए, ऐसे ही आपको हम हर किस्म के एग्जाम्पल्स बता डालेंगे, एकदम फिकर नहीं करिएगा, ये चैप्टर बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर है, पीछे के चैप्टर से ये सब प्रायः पीछे तक अंत तक आते आते टीचिंग थोड़ी सुस्त हो जाती है, इसलिए हम इनको बहुत ढंग से पढ़ा देंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।